नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एवं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित किए गए नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के उद्घाटन समारोह पर मैं मुस्कान चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज विश्व भर में 325 लाख लोग हेपेटाइटिस का शिकार है और इनमें से 80% के पास इलाज का कोई जरिया नहीं है। ऐसी स्थिति में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने WHO के साथ एकजुट होकर हेपेटाइटिस को जड़ से उखाड़ने की ठानी है। देश भर में इस बीमारी का इलाज निशुल्क प्रदान करना हम सभी के लिए फख्र की बात है। इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं और आज साइन हॉस्पिटल एक बार फिर इतिहास लिख रहा है क्योंकि आज यहां पर नींव लगाई जाएगी जिससे सारे मुल्क में मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर्स को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। आप सभी का ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले आज हमारे साथ मंच में है वो जिन्होंने बिहार में गरीबों के मसीहा का काम किया है और बखूबी कहा है कि हर घर में हो शौचालय का निर्माण तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव विद अस ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। यादव कमिश्नर हेल्थ टू फैसिलिटेट हिम प्लीज। जोरदार तालियां आ जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे हम स्वागत करेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड PWD गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी का। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे यहां पर कांग्रेस कैंडिडेट हूं।